हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल बिंदास बीस्ट। और आज मैं यहाँ पर शाम में ऐसी घूम रही थी, मुझे थोड़ा बहुत भूख लग रही है और मैं सोच रही हूँ मैं क्या खाऊं, और मेरी नज़र पड़ती है लिट्टी चोखा में। जी बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, ये बिहार का लिट्टी चोखा। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे बनते हैं और क्या टेस्ट कैसा लग रहा है इसका बनने के बाद। हेलो भैया, माय नेम इज साक्षी अग्रवाल, वेलकम टू माय चैनल बिंदास बीस्ट। क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह। अच्छा, तो ये आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? मैम ये आटा होता है, आटा के अंदर चने का सत्तू भरा होता है। अच्छा अच्छा। और आलू बैंगन टमाटर का भरता रहता है, सलाद में प्याज रहता है। ओके। जी, और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, बिहार का डिश होता है। अच्छा अच्छा। आप बिहार के हैं? जी बिहार से, मैं कैमूर जिला से हूँ। अच्छा जी। मैम कितने बजे आ जाते हैं आप यहाँ पे? यहाँ मैं शाम को 4 बजे से 10:30 बजे रात तक रहता हूँ। जी जी, ये देखिए ये आटा होता है, आटा के अंदर चने का सत्तू भरते हैं। अच्छा, अच्छा। और आलू बैंगन टमाटर भरता रहता है और सलाद में प्याज रहता है, घी के साथ। 40 रुपये प्लेट है, बिना घी वाले 30 रुपये प्लेट है। एक प्लेट में 2 पीस है। जी अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसको लिट्टी बोलते हैं जो बना रहे हैं? ये लिट्टी है जी जी। और इधर चोखा बनता है, देखिए एक बार खा कर देखिए कितना टेस्टी आता है। बहुत बिल्कुल डेफिनेटली देखिए, मुझे एकदम बिल्कुल ये बाटी जैसा लुक दे रहा है। बाटी नॉर्मल रहती है और ये इसके अंदर सत्तू भर जाते हैं, इसको लिट्टी चोखा बोलते हैं। जी, चने का सत्तू भरा रहता है इसके अंदर। चलिए तो भैया आपकी चोखा दिखाइए मुझे, कैसे बनाते हैं आप, चोखा में क्या क्या डालते हैं? ये देखिए जो बनाता हूँ आप, ये तो आलू बैंगन टमाटर का भरता है ये। अच्छा अच्छा जी। इसमें लहसुन अदरक की चटनी पड़ती है। ये देखिए ये लहसुन अदरक की चटनी हो गई, ये सरसों की चटनी हो गई। अच्छा, सरसों की चटनी। ये हरी धनिया मिर्च दही अमचूर पुदीना की चटनी हो गई। ग्रेट। ये प्याज हो गया मैम। अच्छा, ये नींबू, चाट मसाला। काफी ज्यादा चटपटा लग रहा है ये तो देखने में। एक बार आप खा के बताइएगा कैसा लगा नहीं लगा। ये घी है मैम, घी घी में डिप होता है। आप शुद्ध घी का यूज़ करते हैं? जी मैम, मधुसूदन का सिद्ध रहता घी। ये देखिए ये घी है, ये को खा के देखना कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल, कितना लाजवाब दिख रहा है। तो चलिए मैं इसको टेस्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ कि कैसा लगा। चलिए तो मैं इसको टेस्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ कि मुझे कैसा लगा। ये मैंने भरते में लगाया इसको चटनियों के साथ। ये काफ़ी चटपटा है, आप लंच में भी खा सकते हो, स्नैक्स के रूम में भी खा सकते हो। मज़ेदार है, आपके जो मुँह का जो टेस्ट बड्स है ना वो एकदम खुल जाते हैं, मज़ा आ गया इसको खा के। चलिए मैं इसको इन्जॉय करती हूँ और आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ जल्दी। बाय।